दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके यूनिवर्सिटी बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी मून सिटी स्केप्स बिल्डर रिलिव द ग्लोरी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय काव्या होटल्स मऊरानीपुर एंड गैलेक्सी इंटीरियर डिजाइन झांसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीके और मैं हूँ प्रियंका। मैं हूँ संध्या। वक्त हो चला है खबर फटाफट का। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। City build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेजिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान। फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें। काव्या स्मार्ट रेजिडेंसी पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और पहली खबर है झांसी से। DIG झांसी जोगिंदर कुमार ने SSP झांसी, SP जालौन और SP ललितपुर के साथ की मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी। गैंगस्टर, गुंडा और जिला बदल जैसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। झांसी के ककरबई में पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने बूथ कमेटी गठन के लिए कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। चकाडोरी आश्रम पर जुड़े सैकड़ों सपा कार्यकर्ता, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की कही बात। किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान, किसानों को बताई खेती की नई टेक्निक। झांसी के सिंचाई निर्माण विभाग में ग्राम बुनाई क्षेत्र के काश्तकारों को पुनः दी चेतावनी, डूब क्षेत्र खाली करने के दिए निर्देश। कहा गया कि सभी को पुनर्वास और प्लॉट मिले फिर भी नहीं किया गया विस्थापन। मऊरानीपुर के लहचूरा थाना प्रभारी पर ग्रामीणों ने लगाया न्याय न देने और थाने से भगा देने का आरोप। क्षेत्र अधिकारी से की शिकायत, ग्रामीण बोले मारपीट की शिकायत नहीं हुई है दर्ज। झांसी में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। रेलवे पुल पर छात्र के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी के बड़ागांव ब्लॉक के ग्राम लेवा में पूर्व प्रधान और सचिव की दिखी भ्रष्टाचारी। कई योजनाओं के नाम पर निकाला लाखों मगर रत्ती भर भी नहीं हुआ काम, ग्रामीणों की शिकायत की बात। मऊरानीपुर के लखेरी बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित किसानों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन, एक बार फिर से उठाई मुआवजे की मांग। थाना एरज के ग्राम नकेरा में सड़कों पर भरा है पानी, ग्रामवासियों को हो रही है परेशानी। एक साल पहले ही मंडी समिति ने बनवाई थी सड़क, पर हो रहे हैं बड़े बड़े गड्ढे। अब कुछ खबरें हैं जालौन से। जालौन कस्बा चौकी प्रभारी की टीम को मिली सफलता, सट्टे की पर्ची और 1310 रुपए के साथ एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार, कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। जालौन में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जारी है वैक्सीनेशन महामेला, नगर क्षेत्र के 4 स्थानों पर हो रहा है वैक्सीनेशन कार्यक्रम। सावन का त्योहार गुजरने के बाद अब जन्माष्टमी पर भी कोरोना का साया, बाजार में ग्राहक नदारद, दुकानदार इंतजार में। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में चिकित्सकों की भूमिका पर ध्यान देने पहुंचे भाजपा के नगर अध्यक्ष, बोले सरकार की मंशा के अनुरूप हो रहा है वैक्सीनेशन कार्यक्रम। जालौन कस्बा चौकी प्रभारी के हाथ लगी एक और सफलता, जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार, करीब 40,000 रुपए हुए बरामद। बसपा के दिग्गज नेता सतीश मिश्रा पहुंचे जालौन, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण वोटों को साधने की कवायद हुई शुरू। सतीश मिश्रा की मौजूदगी में लगे लालाराम अहिरवार मुर्दाबाद किनारे, बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं लालाराम अहिरवार,
जिनसे नाराज देखे पार्टी के लोग। जालौन के कोच में एक व्यक्ति ने सुराई चौकी प्रभारी पर लगाया जांच के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप, मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई शिकायत। ये थी आज की कुछ खास खबरें कवर फटाफट में। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।